हेलो व्यूवर्स, मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। आजकल ना एक वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, तो 1 कप सूजी से ढेर सारा नाश्ता। तो मैंने सोचा चलिए आज हम भी बना के देखते हैं। तो यकीन मानिए मैंने बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए आपको भी बताती हूँ मैं ये मैंने कैसे बनाया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एक मिक्सी का जार और इसमें डाला 1 कटोरी सूजी, और इसके बाद मैंने डाली है 2 बड़े चम्मच दही के, और जितनी सूजी ली थी उतना ही इसमें हम पानी मिक्स कर देते हैं। अब मिक्सी चलाकर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए मिक्स करके और इसको हम एक बाउल में पलट लेते हैं। अब इस बैटर में हम जो है सब्जियां मिक्स करेंगे। तो ये कुछ कटे हुए टमाटर हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, बारीक काट लिया है, ये गाजर ली है और प्याज लिया है और बीन्स लिए हैं साथ में, और धनिया है, हरी मिर्च है, इनको सबको बारीक बारीक काट लिया है। और इसको जो है हम इस बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सब्जियां सारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे चीनी, ये देसी खांड है मैंने थोड़ी सी वो डाली इसमें, और साथ ही इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ये देखिए। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा, और सोडा डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फटाफट से इसको, ये थाली है, थाली के अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है इसको, इस बैटर को इसमें डाल देंगे और कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको हम स्टीम करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है और इसको ढक देते हैं और कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इसको स्टीम होते हुए। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ से हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ अगर ऐसे बिल्कुल क्लीन निकलता है तो इसका मतलब ये पक चुका है। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है ये, और इसको डीमोल्ड कर लिया मैंने, और ये देखिए ग्लास से इस तरीके से हम इसके जो है पीसीस काट लेंगे। आपके पास अगर कुकी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप बर्फ़ी की शेप में या किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। तो मैंने इसको टिक्की की शेप में काटा है गिलास से, और अब इसको जो है तवे पर हल्का सा घी लगा के और इनको हम स्टर फ्राई कर लेंगे। तो इन टिक्कियों को हमने अच्छे से गोल्डन होने तक जो है फ्राई करना है। तो एक साइड से देखिए सिक जाएंगी, तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छे से अलट पलट करके इनको जो है गोल्डन कर लेना है दोनों साइड से। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें सब्जियों मिक्स करी हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद की और भी जो भी आप पसंद करते हैं वो मिक्स कर सकते हैं, और साथ ही जो है हमने इसको बहुत ही कम घी में जो स्टर फ्राई किया है, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही अच्छा और जल्दी बनकर तैयार होता है ये नाश्ता। तो आपको आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।